नमस्कार प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव जी ने सुनाई भाई दूज की कहानी, और जो भी व्यक्ति यह कहानी अंत तक नहीं सुनेगा वह आज इस अवसर पर भगवान शिव को क्रोधित कर देगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। एक बार की बात है, श्री विष्णु और ब्रह्मा जी में एक रोचक बहस छिड़ गई। दोनों महान देवता एक बार फिर से विचारों के टकराव में आ गए थे। मुद्दा था रक्षाबंधन और भाई दूज में से कौन सा पर्व अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी का कहना था कि भाई दूज का महत्व अधिक है, जबकि विष्णु जी रक्षाबंधन के पक्ष में थे। दोनों ही अपने अपने तर्कों के साथ दृढ़ थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र संबंध को नए संकल्प के साथ मजबूती प्रदान करता है। इस दिन बहन अपने भाई के लंबे जीवन की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह पर्व भाई बहन के संबंधों में स्नेह और दायित्व को और गहरा बनाता है। विष्णु जी ने पलटवार करते हुए कहा, परंतु रक्षाबंधन भी तो भाई बहन के संबंध की एक विशेष अभिव्यक्ति है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा का वचन लेती है और भाई उसे अपने जीवन में हर संकट से बचाने का संकल्प लेता है। यह पर्व भाई बहन के बीच विश्वास और जिम्मेदारी की डोर को मजबूत करता है। दोनों में बहस तेज होती गई। ब्रह्मा जी ने दृढ़ता से कहा, भाई दूज एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई को आमंत्रित करती है, सत्कार करती है और उसे स्नेह के साथ भोजन करवाती है। यह तो एक दिव्य उत्सव है जहां भाई बहन के प्रेम का विस्तार होता है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रक्षाबंधन में भी तो बहन का स्नेह और भाई की सुरक्षा का वचन शामिल है। यह पर्व बहन के स्नेह को प्रतिष्ठित करता है और भाई को उसकी रक्षा की याद दिलाता है। भाई दूज में भाई घर आता है, पर रक्षाबंधन में बहन का विश्वास और भाई की रक्षा का संकल्प होता है। दोनों की बहस दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसका असर स्वर्ग लोक में साफ दिखाई देने लगा। हर देवता, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो या अग्निदेव, सभी इनकी बहस से परेशान हो चुके थे। सभा के दौरान विष्णु और ब्रह्मा जी की तेज आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। कुछ देवता मूक दर्शक बनकर इस द्वंद्व को देख रहे थे, तो कुछ ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी कि आखिर कब तक ये विवाद यूं ही चलता रहेगा। आखिरकार एक दिन देवताओं का धैर्य जवाब दे गया। इंद्र ने सभी प्रमुख देवताओं को बुलाकर एक सभा आयोजित की। उन्होंने कहा, मित्रों, यह विवाद अब अत्यधिक बढ़ चुका है। हमारे बीच ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल त्रिलोकीनाथ महादेव ही दे सकते हैं। हमें इन दोनों को कैलाश पर भेजना चाहिए ताकि भगवान शिव इस मतभेद का समाधान करें। वरुण देव ने इंद्र का समर्थन करते हुए कहा, सही कह रहे हैं आप, भगवान शिव सृष्टि के परम ज्ञानी हैं। अगर कोई इस विवाद का हल बता सकता है तो वह महादेव ही हैं। हमारे हस्तक्षेप से पहले ही इस प्रश्न का समापन होना चाहिए। आखिर में सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु और ब्रह्मा जी को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी समस्या लेकर कैलाश पर्वत जाना चाहिए। कुछ देवता तो इतने व्यथित हो चुके थे कि उन्हें यह भी डर था कि कहीं इस विवाद से स्वर्गलोक में असंतुलन न उत्पन्न हो जाए। इसी बीच नारद मुनि ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, नारायण नारायण प्रभुओं, महादेव ही इस विवाद को सुलझा सकते हैं। इस द्वंद्व को शांत करना आवश्यक है। विष्णु और ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आ गई कि अब इस मतभेद का हल भगवान शिव ही बता सकते हैं, और इस प्रकार सभी देवताओं के आग्रह पर दोनों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह सोचते हुए कि शायद महादेव ही इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर दोनों ने भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी जो दर्शा रही थी कि उन्हें इस बहस का समाधान पहले से ही पता था। शांत मुद्रा में बैठे महादेव ने कहा, विष्णु और ब्रह्मा, तुम दोनों ही इस विषय को लेकर इतने गंभीर हो कि इस विवाद में प्रेम और स्नेह का मूल भाव कहीं खो सा गया है, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं।
इस कहानी में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। विष्णु और ब्रह्मा जी ने एक दूसरे की ओर देखा और महादेव की बात मानने के लिए सिर हिलाया। दोनों ने ध्यान से सुनने का वचन दिया और महादेव ने अपनी कहानी आरंभ की। देवों के देव महादेव ने कहा, भैया दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर रोली और अक्षत से तिलक कर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। इस दिन यदि किसी व्यक्ति की अपनी सगी बहन न हो तो वह अपनी ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि यम द्वितीया पर बहन के हाथों से भोजन ग्रहण करने वाले पुरुष को धर्म, धन, आयु और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यम द्वितीया के दिन शाम को घर में दीप जलाने से पहले बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। फिर भगवान शिव जी ने कहा, चलो अब मैं कथा प्रारंभ करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्धा थी जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया और बेटे ने अपनी माँ से अपनी बहन से मिलने जाने की इच्छा जताई। माँ ने चिंता व्यक्त की और कहा, हम बहुत गरीब हैं, तुम अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाओगे, वहां जाकर क्या करोगे? बेटा अपनी माँ से बार बार विनती करता है कि उसे बहन से मिलने जाना ही है। आखिरकार माँ उसकी प्रार्थना के आगे झुक जाती है और उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे देती है। बेटा जब अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में एक नदी आती है। नदी कहती है, मैं तेरा अंत हूं, मैं तुझे डुबा दूंगी। बेटा विनम्रता से जवाब देता है, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, पहले मुझे उससे मिलने दो, लौटते समय तुम मुझे डुबा लेना। नदी उसकी बात मान लेती है और उसे रास्ता देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक सांप दिखाई देता है। सांप कहता है, मैं तुझे काटूंगा। बेटा विनती करता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर उसका टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे काट लेना। सांप भी उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। आगे बढ़ते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भाई उत्तर देता है, पहले मुझे अपनी बहन से तिलक करवा लेने दो, लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर उसकी बात मानकर उसे रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है। बहन उस समय सूत कात रही होती है और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। मान्यता है कि यदि सूत कातते समय बीच में टूट जाए और बहन का इकलौता भाई सामने हो तो बहन तब तक बात नहीं करती जब तक सूत दोबारा नहीं जुड़ जाता। भाई की आवाज सुनकर बहन कोई जवाब नहीं देती तो भाई सोचता है कि शायद वह बहुत गरीब है, इसलिए उसकी बहन उससे बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि यहां आना ही गलत था और वह लौटने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देकर चुप रहने का कारण बताती है। वह उसे स्नेहपूर्वक घर के भीतर ले जाती है और फिर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि यदि कोई प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए। मजाक में पड़ोसन कहती है कि तेल से चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। बहन मजाक को गंभीरता से ले लेती है और वैसा ही करती है, पर अब न चौका सूखता है न चावल पकते हैं। उधर भूख से परेशान भाई बहन से भोजन मांगता है तो वह बताती है कि न तो चौका सूख रहा है और न चावल पक रहे हैं। भाई ने बहन से पूछा, तूने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे पकाए हैं? बहन ने जवाब दिया, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि अगर बहुत प्रिय मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। इस पर भाई हंसते हुए बोला, मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, चौका पानी से लगा और चावल दूध में पकाकर देख, ऐसा करते ही चौका सूख जाएगा और चावल भी अच्छे पकेंगे। बहन ने वैसा ही किया और फिर भाई को भोजन कराकर उसका तिलक किया। अगले दिन भाई ने कहा, अब मैं माँ के पास लौटना चाहता हूँ, वह अकेली है। बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसती है, भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए भी रख देती है। विदा करते समय
भाई को लड्डू देकर उसे रवाना करती है। सुबह जब बच्चे उठकर खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू देती है, लेकिन जब वह लड्डू देखती है तो पाती है कि उनका रंग हरा हो गया है। घबराकर वह चक्की में झांकती है और देखती है कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। रास्ते में उसे भाई एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ दिखता है। वह घबराकर पूछती है, तुमने वो लड्डू खाए तो नहीं? भाई कहता है, नहीं, मैंने वो लड्डू नहीं खाए, वे तो इस पेड़ पर टंगे हैं। बहन पेड़ से लड्डू उतारकर पास में गड्ढा करके उन्हें दफन कर देती है और भाई को पूरी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं अपने पीछे कईयों को विदा करके आया हूं। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों के बीच बहन भाई से पानी मांगती है तो भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूं। बहन कहती है, मैं खुद जाकर पियाऊंगी। जब बहन तालाब पर पहुंचती है तो वहां एक बूढ़ी औरत को बैठा देखती है। वह पास जाकर पूछती है, माँ आप यहां क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत जवाब देती है, मैं एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूं। बहन हैरान होकर पूछती है, वह कौन भाई है? बूढ़ी औरत कहती है, एक ऐसा भाई है जिसकी बहन ने उसके प्यार में एक निर्दोष सांप की जान ले ली है। वह सोचती है, अरे यह तो मेरा अपना भाई है। घबराकर वह विधाता से पूछती है, माँ अपने भाई को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? विधाता उसे बताती हैं कि उसकी एक बहन है जो यदि अपने भाई को गालियां दे और तब तक अपमानित करती रहे जब तक उसकी शादी ना हो जाए तो भाई की रक्षा संभव है। यदि बहन हर खतरे से उसका बचाव करती है तो उसका भाई सुरक्षित रहेगा। वह तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर लौटती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक शेर मिलता है जो भाई पर झपटने की कोशिश करता है। बहन फौरन शेर को मांस का टुकड़ा दे देती है जिससे शेर व्यस्त हो जाता है और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर एक सांप रास्ते में आता है। जैसे ही वह भाई को काटने की कोशिश करता है, बहन उसके सामने दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और वे दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे नदी मिलती है जो भाई को बहाने के लिए तैयार है। बहन नदी को अपनी ओढ़नी अर्पित करती है जिससे प्रसन्न होकर नदी उन्हें सुरक्षित पार जाने देती है। इस तरह दोनों भाई बहन सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती है, लेकिन बहन तुरंत ही अपने भाई को गालियां देने लगती है। माँ कहती है, इसे यहां क्यों ले आया? भाई जवाब देता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ समय बाद भाई का विवाह प्रस्ताव आता है। सब कहते हैं कि बहन अजीब और अभद्र है, लेकिन भाग्यशाली है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, मेरी मिठाई पहले लाओ, और अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू होते ही आग लग जाती है। बहन, जो पहले से ही आने वाले संकट से परिचित थी, तुरंत आग बुझा देती है और भाई की रक्षा करती है। शादी के हर रस्म में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की विदाई का समय आता है तो वह मजाक में कहती है, अरे इसकी विदाई क्यों कर रहे हो, पहले मेरी विदाई करो और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। तभी अचानक आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और लोग कहते हैं कि चाहे बहन मजाकिया हो पर भाई की सुरक्षा का ध्यान रखती है। जब भाई फेरे ले रहा होता है तो बहन उसे फिर छेड़ते हुए कहती है, इसकी जगह मुझे फेरे लेने चाहिए। फिर सुहागरात में भी बहन मजाक करती है और कहती है, पहले मेरी रात जागरण करो, जिस पर लोग हंसते हुए कहते हैं कि उसे भी पर्दे के पीछे सुला दो। रात में जब भाई और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं तो एक सांप कमरे में आ जाता है, लेकिन बहन को पहले से ही यह आभास था तो वह तैयार रहती है। वह सांप को पकड़कर किसी बर्तन में बंद कर देती है और चैन की नींद सो जाती है। सुबह उसकी माँ सोचती है कि बेटी के जागने से पहले मेहमानों को विदा कर दूं, नहीं तो वह फिर शोर मचाएगी। जब बहन उठकर देखती है कि सभी मेहमान जा चुके हैं तो वह माँ से कहती है कि सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा लूंगी।
माँ उसकी बात मानकर मेहमानों को फिर से बुलाती है। तब बहन कहती है, मैंने इसी दिन के लिए अपने घर का सब कुछ छोड़ा था और अपने भाई की भलाई के लिए इतना कुछ किया है। यह सुनकर माँ और भाई प्रसन्न होते हैं और उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं। इस तरह भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं। महादेव ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तो क्या आप तुम समझे कि भाई दूज और रक्षाबंधन में से कौन सा पर्व अधिक महत्वपूर्ण है? विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों महादेव की कहानी में छिपे गहरे अर्थ को समझने लगे। फिर महादेव ने कहा, दोनों ही पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण है, यह केवल दृष्टिकोण का भेद है। रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही पर्व भाई बहन के स्नेह और रिश्ते को सम्मानित करते हैं। रक्षाबंधन में जहां रक्षा का संकल्प होता है, वहीं भाई दूज में भाई के प्रति सत्कार और सम्मान का भाव होता है। भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व हैं और इनमें पूजा के विधि विधान भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जबकि भाई दूज पर माथे पर तिलक किया जाता है। भाई दूज के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर तिलक करवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के घर जाकर राखी बांधती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या हमें इसे एक जीत हार के रूप में नहीं देखना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, यह प्रेम का मामला है, न कि प्रतियोगिता का। रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही पर्व इस रिश्ते को संजोते हैं। इस प्रकार महादेव की बातें सुनकर विष्णु और ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो गया। दोनों ने सहमति जताई कि सच्चाई में प्रेम और स्नेह का महत्व सबसे बड़ा होता है, न कि किसी पर्व का।